समय से वो इस रणनीति पर वो काम कर रहे थे, पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया, जिस तरीके से 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और उसको छोड़कर जिस तरीके से आज वो महागठबंधन के साथ वो सरकार बना रहे हैं, मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें और ये समय है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए, बिहार में मध्यवर्ती आरोप आप पर है कि आपने उन्हें 50 से नीचे किया, अगला अब क्या संकल्प आपका है बिहार को लेकर? भैया आरोप नहीं है मेरे ऊपर, मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ इस बात को और पूरे गर्व के साथ मैं कबूल करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पतन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का एक बड़ा हाथ है, उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में हम लोग का हाथ है। और भैया जिस चिराग मॉडल की वो बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है, मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही थी और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने किया, एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला, वोट परसेंटेज में एक बड़ा वोट परसेंटेज हमारे साथ आया और इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी इस बात को कबूल करती है, बट इस बात को भी मैं उतनी ही मजबूती से कबूल करूंगा कि आज तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं बट अगला चुनाव आते आते तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर दी है, अगला चुनाव आते आते तक शून्य पर आउट।